Dear students, I am your English teacher. So today we are going to read second lesson of second class sentences. यानी कि इस लेसन में हम पढ़ेंगे what is sentence? Sentence क्या होता है? Sentence is a group of words when arranged in proper order, जो proper order में होते हैं और makes a meaningful sense. और फिर वो हमें meaningful sense दें. यानी कि first of all क्या होना चाहिए कि एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि तीन चार वर्ड्स होने चाहिए. फिर उनको हमें पैटर्न वाइज यूज़ करना है. जैसे फर्स्ट में हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, फिर हम हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब का काम करती हो उसको यूज़ करेंगे. उसके बाद मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट यूज़ करते हुए हम एक सेंटेंस बनाएंगे. और फिर वो सेंटेंस अगर बन के हमने ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हमारे पास और हमने सिस्टमेटिकल वे में भी लगाए हैं, उसके बाद वो हमें एक मीनिंगफुल सेंस दे. जैसे हम फर्स्ट पे आते हैं, लुक एट द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स. यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो दिए हैं लेकिन ये हमें मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहे. बिकॉज फर्स्ट जैसे हम रीड करते हैं, नेम इज़ माय सोनू. दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट नॉट अ सेंटेंस बिकॉज इट डज नॉट गिव अस अ मीनिंगफुल सेंस. अगर हमें इसको मीनिंगफुल सेंस में लेके आना है तो हमें इसमें कुछ चेंज करने होंगे. सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है इसमें, माई नेम यानी कि मेरा नाम. इज यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही है तो सेकंड पे इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सोनू. तो क्या बनेगा, माई नेम इज सोनू. इसको हम सेंटेंस बोल सकते हैं. ऐसे ही सेकंड में इन्होंने दिया है, जैसे सेकंड में दिया है एम आई सिक्स और ईयर्स. इसको हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो बोल सकते हैं बट सेंटेंस नहीं बोल सकते. क्यों, क्योंकि हमें इसमें कुछ चेंज करना होगा. सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सब्जेक्ट. सब्जेक्ट किसको करेंगे, आई. आई सब्जेक्ट होगा. आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, एम. आई एम, फिर इसमें कुछ नहीं बचा ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या होगा, सिक्स ईयर्स ओल्ड, यानी कि मैं सिक्स ईयर ओल्ड की हूँ, आई एम सिक्स ईयर्स ओल्ड. ऐसे हमें ये बनाने हैं. जो नेक्स्ट बचते हैं इनको आप प्रैक्टिस करके देखोगे, इनको हम जंबल वर्ड बोल सकते हैं, सेंटेंस नहीं बोल सकते. तो इसलिए सेंटेंस क्या है कि सेंटेंस एक ग्रुप है वर्ड्स का, जब हम उसको सिस्टमेटिक वे में लगाते हैं और फिर वो हमें मीनिंगफुल सेंस देते हैं. चलो ये तो हमने रीड कर लिया. इसके बाद जैसे हमने सेंटेंस बनाना है तो उसमें और भी कुछ बातों का ध्यान रखना होता है. जैसे हम सेंटेंस बना रहे हैं, जो सब्जेक्ट बना रहे हैं, जिसको सब्जेक्ट लिख रहे हैं, जो फर्स्ट वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर होगा, जो सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर होगा उसको ऑलवेज वी राइट इन कैपिटल लेटर. उसको हम हमेशा कैपिटल कैपिटल लेटर ही लिखेंगे. और सेकंड, जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है हमारा, जैसे माय नेम इज सोनू यहाँ पे कंप्लीट हो गया, तो हम अगर हम देखते हैं कि हमारा सेंटेंस है सिंपल है बिल्कुल, तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं. अगर हमें लगता है कि ये सेंटेंस है जो इसमें क्वेश्चन पुट किया गया, जैसे मैंने आपसे पूछा व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर फेवरेट गेम, तो मैंने क्वेश्चन पुट किया, तो ये सिंपल सेंटेंस तो है नहीं, तो इसमें लास्ट में हम क्या करते हैं कि इसमें क्वेश्चन मार्क साइन का यूज़ करते हैं. और कुछ होते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क. एक्सक्लेमेशन मार्क में हमें क्या करना होता है कि जब हम हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग या डिज़ायर्स को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे व्हाट अ लवली पिक्चर, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, जैसे हम अंदर से कुछ सोचते हैं उसके बारे में ऐसे सडनली बोल देते हैं, उसको कंप्लीट करने के लिए हम ना तो फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे ना ही क्वेश्चन मार्क का, वहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किया जाता है, जो आप यहाँ पे देख रहे हो टॉल और उसके नीचे एक डॉट लगाते हैं, ऐसे हम इनको कंप्लीट करते हैं. ऐसे ही आपको बनाने होंगे जब आप सेंटेंस को लिखते हो, ये चीज़ आपको फॉलो करनी होगी, तब जाके आप कंप्लीट सेंस में सेंटेंस राइट कर सकते हो. Now we discuss your homework. Exercise first में आपको क्या करना है कि rearrange the following group of words so as to make meaningful sentences. यानी कि आपको jumble words दिए गए हैं, आपको meaningful sense के sentence बनाने हैं, capital letter use करने हैं, end पे आपने देखना है full stop आएगा, question mark आएगा, exclamation mark आएगा. जैसे first है, king is Brazil the all vegetable of. यानी कि हमें यहाँ पे देखना है किसके बारे में बात की गया है, ब्रांजिल के बारे में, तो ब्रांजिल को क्या करेंगे हम एज ए सब्जेक्ट यूज़ करेंगे. फिर हम हेल्पिंग वर्ब इज और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या बनेगा इसका, द किंग ऑफ ऑल वेजिटेबल्स. ऐसे ही आपको सभी करने हैं, मैं आपको सेकंड और करके बताती हूँ.
सेकंड में इन्होंने दिया है रन्स द टाइगर फास्टेस्ट. तो हम इसको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, सब्जेक्ट टाइगर, उसके बाद वर्ब दिया जो वो है रन्स, टाइगर रन्स फास्टेस्ट, इसके साथ ये थर्ड डिग्री है तो हम द का यूज़ करेंगे, तो बन गया टाइगर रन्स द फास्टेस्ट. ऐसे ही आपको सिक्स तक करने हैं. नेक्स्ट है बी. बी में हमें क्या करना है कि एड सम वर्ड्स ऑन योर ऑन टू कम्प्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी कि अपने पास से कुछ वर्ड्स ऐड करने हैं जो इस सेंटेंस को कम्प्लीट सेंस देने वाले बनाए. जैसे सन राइजेज इन द, इसको कम्प्लीट कैसे करेंगे, सन कहाँ से निकलता है, ईस्ट से, तो हम इसमें ईस्ट लगा देंगे. ऐसे ही आपको ये नेक्स्ट जो फाइव हैं वो कम्प्लीट करने हो गए एंड राइट इन योर नोटबुक. सी में आपको क्या करना है कि री राइट द पैराग्राफ यूजिंग कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप्स. आपको जहाँ देख ये देखना है कि इस जो पैराग्राफ है कहाँ पर हमने कैपिटल लेटर यूज़ करने हैं. जैसे जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं आई, आई में आई कैपिटल होगा, चाहे कहीं पे भी आई, आई को हम कैपिटल करते हैं. और जहाँ पे हमें लगता है कि हमारा सेंटेंस क्लोज होने वाला है वहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे, और उसके बाद जो फर्स्ट लेटर लिखेंगे वो भी हमारा कैपिटल ही होना चाहिए. ऐसे जो चेंजेस हैं वो करके आपको यहाँ पे अपनी नोटबुक में इसको राइट करना है. डी में क्या है कि मैच कॉलम ए करेक्टली विद कॉलम बी, वन हैज़ बीन डन फॉर यू. यानी कि आपको देखना है कि जैसे डॉक्टर क्या करते हैं, टीचर क्या करते हैं, लोयन, कैट, द प्राइम मिनिस्टर, इन सब के बारे में आपको पता ही होगा, वो आपको ओनली मैच करने हैं. इतना ही आपका ये होमवर्क है. सो थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे.